हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू सरस्वती एकेडमी। आज के इस वीडियो लेसन में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी पहचान की। यदि हमें हिंदी वाक्यों के आखिर में ता है, ती है, ते हैं, ता हूं जैसे शब्द मिलते हैं तो हम समझ जाएंगे कि वह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आपको बस दो बातें समझनी होंगी, नंबर वन सब्जेक्ट के बारे में और नंबर टू वर्ब के बारे में। तो पहले हम सब्जेक्ट के बारे में समझ लेते हैं। इंग्लिश में दो तरह के सब्जेक्ट होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल, ये तो आप जानते हैं। सिंगुलर में होते हैं ही, शी, इट, दिस, दे, ये सब सिंगुलर के अंदर आते हैं। और प्लूरल में आते हैं आई, वी, यू, दे, और एक से अधिक जितने भी सब्जेक्ट होंगे वो प्लूरल के अंदर आएंगे। अब होता क्या है कि देखो, यहाँ पे आपको वर्ब दिखाई दे रही होगी। इंग्लिश में ना पांच फॉर्म होते हैं वर्ब के, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फिर फोर्थ, फिफ्थ, है ना। तो उसमें जो फर्स्ट फॉर्म होती है ना, जैसे यहाँ पे हम बचपन से सीखते आ रहे हैं गो, कम, सिंग, रीड, इस तरह की फर्स्ट फॉर्म, इसके बारे में आपको समझना होगा कि फर्स्ट फॉर्म जो होती है वो एक्चुअल में खुद दो फॉर्म में होती है, प्लूरल और सिंगुलर। जो हम बचपन से सीखते आ रहे हैं वो प्लूरल फॉर्म होती है। अगर हमें इसको सिंगुलर में चेंज करना है तो एस एस लगा के हम सिंगुलर बना सकते हैं। जैसे गो का गोज हो गया, ऐसी कम का क्या हो जाएगा, कम्स हो जाएगा, ऐसी सिंग का क्या हो जाएगा, सिंग्स हो जाएगा। तो ये एक्चुअल में तो प्लूरल फॉर्म में थी, लेकिन हमने जब एस एस लगाया तो ये हो गई सिंगुलर फॉर्म में, ठीक है। अब एस एस क्यों लगाना है, सिंगुलर फॉर्म क्यों बनाना है, तो उसको समझिए आप। जब भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनाएंगे तो हम वहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, ये तो है। अब इसके बाद क्या करना है कि जब हम प्लूरल सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे तो प्लूरल वर्ब चाहिए, और जब हमें सिंगुलर सब्जेक्ट का उपयोग करना है तब हम सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। बस इस पॉइंट को आप याद रखना, जब भी प्लूरल सब्जेक्ट आएगा तो प्लूरल वर्ब, और जब भी सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा तो सिंगुलर वर्ब, ठीक है। तो चलिए कुछ सेंटेंस बनाते हैं जिससे इस कॉन्सेप्ट को और बेहतर तरीके से समझ पाए। जैसे आपको यहाँ पे अफर्मेटिव वाक्यों के लिए इंस्ट्रक्शन दिख रहा होगा कि सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट को हमें रखना है, ठीक है। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी आपको पता है कि सिंगुलर भी हो सकती है, प्लूरल भी हो सकती है। तो हम सबसे पहले यहां पे देखते हैं, मैं जाता हूं। तो हमने देखा कि यार देखो, ये लास्ट में ना ताहू है, तो ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट को देखते हैं। मैं की इंग्लिश क्या होती है, आई। अब जाने को क्या कहते हैं, जाने को कहते हैं गो, ठीक है। लेकिन यहां पर जो सब्जेक्ट है वो क्या है, प्लूरल है। तो गो तो दो है हमारे पास, एक गो है, एक गोज है, तो हम क्या करेंगे, प्लूरल वाला इस्तेमाल करेंगे। हम यहां पर क्या करेंगे, आई के साथ क्या लगाएंगे, गो, ठीक है, क्योंकि आई प्लूरल है इसलिए प्लूरल वर्ब। ऐसे हमने देखा आप आते हो, आपकी इंग्लिश क्या होती है, यू, और आप भी क्या है, आप भी है प्लूरल, ठीक है। तो आने को कहते हैं कम, और कम की प्लूरल फॉर्म क्या होती है, कमी होती है। अब देखो आप, हम लिखते हैं तो हम की इंग्लिश क्या होती है, हम की इंग्लिश होती है वी, और वी भी क्या है, प्लूरल है। तो हम इसके साथ भाई क्या है, लिखने को क्या कहते हैं, राइट कहते हैं, तो राइट लिख देंगे यहां पर वी राइट। अब ऐसी देखिए आप, वे गाते हैं, वे की इंग्लिश क्या होती है, दे, और गाने को कहते हैं सिंग, और सिंग हमारे पास दो है, एक सिंग है, एक सिंग्स है। तो हमें पता है कि वे जो है वो प्लूरल होता है, तो हम यहां पे सिंग लगाएंगे, तो हमारा वाक्य बनेगा दे सिंग। अब हमने ना एक वाक्य और लिखा है जिसमें हमने ऑब्जेक्ट को भी शामिल कर दिया, क्या था स्टार्टिंग में समझने के लिए बिना ऑब्जेक्ट के वाक्य बनाए, फिर हमने एक ऑब्जेक्ट भी शामिल कर दिया। यहां पर आपको आम दिख रहा होगा, ये एक ऑब्जेक्ट है। तो जैसे अगर आप देखते हैं, मैं आम खाता हूं, मैं की इंग्लिश क्या हो गई, आई। अच्छा, खाने को क्या कहते हैं, खाने को कहते हैं ईट, ये प्लूरल फॉर्म हो गई, और ईट्स ये हो गई सिंगुलर फॉर्म। तो भाई मैं तो प्लूरल हूं इसलिए हम क्या लगाएंगे, ईट, आई ईट। अब भाई क्या खाते हैं, हम खाते हैं आम, आई ईट आ मैंगो, आ मैंगो मतलब एक आम, ठीक है। अब ऐसी अगर हम जहां पर देखें, वह लिखता है, अब आप कहेंगे सेम है, देखो ता है आ रहा है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा, लेकिन ऐसा थोड़ा सा और अच्छे ध्यान से देखिए, सिर्फ इतना ही समझना था हमें, नहीं, हमें यह भी समझना है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल। तो वह लिखता है, इसमें सब्जेक्ट क्या है, इसमें सब्जेक्ट है सिंगुलर, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमें क्या लगाना होता है, सिंगुलर वर्ब लगानी होती है। तो वह लिखता है, वह की इंग्लिश क्या हो जाती है, ही। लिखने को कहते हैं राइट, क्या कहते हैं, राइट। अब राइट तो दो तरह से लिख सकते हैं फर्स्ट फॉर्म में, एक तो हम लिख सकते हैं राइट और एक लिख सकते हैं राइट्स। तो वह क्या है, सिंगुलर, तो हम यहां पे क्या लगाएंगे, राइट्स लगाएंगे, क्या लगाएंगे, राइट्स, ही राइट्स, वह लिखता है।
वह सोती है, वह की इंग्लिश क्या होती है? शी। कैसे पता चला? कोई महिला की बात हो रही है, कोई स्त्री की बात हो रही है। तो भाई जब हमें कोई स्त्री की बात होती है और हमें वह शब्द का उपयोग करना होता है तो हम शी लगा देते हैं ना। तो हमने यहाँ पे लिखा वह सोती है तो शी। अब सोने को क्या कह सकते हैं? सोने को कहते हैं हम स्लीप, और सिंगुलर में क्या कहेंगे? स्लीप्स, है ना। तो वह सोती है, शी स्लीप्स, क्या बोलेंगे? शी स्लीप्स, है ना। अब देखो देव चलता है, तो देव की इंग्लिश क्या हो गई? देव। देव क्या है? देव है सिंगुलर, और चलने को कहते हैं वॉक, और वॉक का सिंगुलर क्या हो जाएगा? बॉक्स। क्या हो जाएगा? बॉक्स, देव बॉक्स। राधा पढ़ती है, राधा की इंग्लिश क्या हो गई? राधा। राधा क्या है? सिंगुलर है ना, तो पढ़ने को क्या कहते हैं? वैसे तो कहते हैं रीड, लेकिन सिंगुलर में क्या कहेंगे? रीड्स कहेंगे ना। तो राधा रीड्स। आई बात अब समझ में आपको? ऐसे देखो वह आम खाता है। अब यहां पे हमने ना एक ऑब्जेक्ट को भी शामिल कर लिया, तो वह आम खाता है, तो वह की इंग्लिश हो गई ही। खाने को कहते हैं ईट, लेकिन यहां पे सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हम क्या लगाएंगे? ईट्स। ही ईट्स। क्या खाता है? अ मैंगो। ही ईट्स अ मैंगो। तो आपको बात समझ में आई? बहुत सिंपल सा है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब, और प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब। बस इतने से कॉन्सेप्ट को आपको समझना है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे हम इनको नेगेटिव में चेंज करना सीखेंगे और उसके बाद इंटरोगेटिव में चेंज करना सीखेंगे।